हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरीन क्लासेस। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे आईपीसी का, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि जेरीन क्लासेस जो है अब 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुकी है। हमारा फैमिली बढ़ रहा है धीरे धीरे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से यूट्यूब में आऊँगी, और मैंने कैजुअली स्टार्टिंग में एक दो वीडियोस अपलोड किए थे। मुझे नहीं लगा था कि इस तरह से मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊंगी, आप लोग मुझे पसंद करेंगे। मैंने सही में, मतलब क्या बोलूँ, लग रहा होगा आप लोगों को कि ये ऐसे सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने यूट्यूबर बनने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, मुझे ऐसे ही कैजुअली लगा। मुझे पढ़ाना क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, हाँ, मतलब सीरियसली मुझे लगता है कि अगर मेरे पढ़ाने से या मेरे ऐसे बताने से अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को, किसी को भी हेल्प हो रहा है ना, तो मुझे बहुत जेन्युइनली खुशी मिलती है। यही रीज़न था कि मैंने अनअकैडमी भी स्टार्ट किया था। पहले मैंने अनअकैडमी ही स्टार्ट किया था, फिर मुझे कभी लगा नहीं था, मैं इतनी कैमरा फ्रेंडली थी नहीं, मुझे थोड़ा डर लगता था। फिर मैं खुद से ही प्रैक्टिस करती थी अनअकैडमी में, धीरे धीरे पढ़ाने लगी। रेगुलर नहीं आ पाती मैं, हाँ, ये मेरा एक ड्रॉबैक है कि मैं रेगुलर आ नहीं पाती हूँ, तो डर सा रहता था। तो मैं सोचती थी कि मैं दो स्टूडेंट्स को भी पढ़ाऊँ, तो इसीलिए मैंने घर पे भी कुछ स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया विदाउट एनी फीस। तो मैं इस तरह से नहीं, मुझे ये पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को, किसी को भी अगर पढ़ा पाऊँ। तो इसी सोच से एक दिन मुझे ऐसा थॉट आया कि अगर मैं अनअकैडमी में ही पढ़ा रही हूँ, तो मेरे फैमिली में कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि यूट्यूब क्यों नहीं ट्राई करती। मैंने कहा नहीं, यूट्यूब तो नहीं हो पाएगा मेरे से, वहाँ पे तो पीपीटीज के थ्रू पढ़ाना होता है, यहाँ पे तो कैमरा में पूरा पूरी देख कर आप सबसे इंटरेक्ट करना है। तो थोड़ा सा डर लगा, फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं, एक दो वीडियोस डालते हैं, नहीं पसंद आएगा तो लोग नहीं देखेंगे, कोई एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगा कि ठीक है, अगर एक भी व्यूज आता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वहां से शुरू होकर आज 1000 सब्सक्राइबर्स तक आना, ये सच में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं एक बहुत, मतलब क्या बोलूं, शायद आप लोग समझ सकते होंगे कि ये एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज है जो लोग सोचते हैं। मैं दूसरे लोगों का वीडियोस देखती थी, अभी भी देखती हूँ, सीखती हूँ उससे, पढ़ती हूँ खुद। तो क्योंकि मेरे LLB के दौरान ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं खुद पढ़ नहीं पाई थी अच्छे से। LLB का कोर्स तो हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन लॉ का जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे नहीं हुई LLB के टाइम पर, क्योंकि मैं रेगुलर कॉलेज जा नहीं पाती थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर जैसे मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, तो मुझे लगा कि नहीं, अब इस सब्जेक्ट को मुझे जानना है। तो मैं सुबह बस से जाती थी मेरी यूनिवर्सिटी, तो मैं उस दौरान बुक्स लेके जाती थी, थोड़ा थोड़ा करके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया डिटेल में कि हर एक सब्जेक्ट में होता क्या है। वहाँ से मेरी इंटरेस्ट जो है ना वो और बढ़ती गई। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, अगर मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग होंगे ना जो रेगुलर जा नहीं पाते कॉलेज, कुछ भी वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते हैं, तो उनका एक हेल्प होना चाहिए, जो कि स्टार्टिंग से वो डर, पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, पता नहीं IPC क्या होगा, वो चीज़ ख़त्म करने के लिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बहुत हेल्प तो करना ही चाहिए। अगर मेरे हेल्प से किसी को भी हेल्प मिलता है तो आई विल बी वेरी मच, मतलब क्या बोलूँ, बहुत खुश होंगी मैं। इस वजह से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद यूट्यूब में भी मैंने एक दो PPTs में ही किया। फिर मेरे कुछ रिश्तेदार ने मुझे कहा कि वीडियोज़ के थ्रू करो, इससे तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, देखती हूँ ट्राई करके। तो स्टार्टिंग में अच्छा रिस्पांस तो कुछ हुआ नहीं, जैसे जनरली सबको मिलता नहीं है, और अभी भी ये बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। लोग, आप लोग, कई लोग सोच सकते होंगे कि इतना बड़ा तो चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए सही में बहुत है। अगर हर दिन एक या दो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो खैर, ऐसे बात करती रहूँगी तो बातें चलती रहेंगी। तो बस इतना ही बोलना था कि वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू दोज हू हैव सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए अब बातें खत्म करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसके पहले मैंने IPC के कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई थी रिगार्डिंग ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, उसी का आज एक पार्ट देखेंगे हम लोग, वो है स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी जो है सेक्शन 410 से लेकर 414 तक आता है, ठीक है। 415 से फिर चीटिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो 410 स्टोलन प्रॉपर्टी के वो बताता है कि है क्या स्टोलन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले स्टोलन प्रॉपर्टी का जो बेसिक चीज है वो ये है कि ये सेक्शन 410 आईपीसी में डिफाइन है और ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी को डिजिग्नेट स्टोलन प्रॉपर्टी तभी किया जाएगा जब उसकी पोजीशन, किसी भी प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है वो किस तरह से ऑब्टेन की गई हो, किसी कैसे ट्रांसफर किया गया हो थ्रू थेफ्ट एक्सटॉर्शन रॉबरी एंड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी विच हैज बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड, जिसको कि क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएट किया गया हो उस तरीके से, इन चारों चीजों के तरह के थ्रू अगर कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो उसको स्टोलन प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, कौन कौन सा? थेफ्ट एक्सटॉर्शन रॉबरी एंड प्रॉपर्टी विच हैज बीन क्रिमिनली, कोई भी प्रॉपर्टी जिसको कि क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएट किया गया हो या जिसके लिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का यूज हुआ हो, कमिट किया गया हो, तो वो उसका मीनिंग जो है वो स्टॉलन प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पांच चीजें का होने, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का होना, तो टोटल पांच चीजों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 410 जो कि स्टॉलन प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस, देखिए ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस वैलिड है, मतलब इसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो देखिए एक केस है जिसका नाम है अजेंद्रनाथ शाह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, लिख लीजिए नाम, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी इस केस का नाम। ठीक है, तो अजेंद्रनाथ शाह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में ये कहा गया था कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस लीडिंग टू द कंक्लूजन, ये कंक्लूड करते हुए कि जो गुड्स रिकवर किया गया है वेयर स्टोलन गुड्स आर सफिशियंट। ठीक है, अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस से भी स्टोलन गुड्स की जो है वो इंफॉर्मेशन लगता है या रिकवर किया जाता है, कंक्लूड किया जाता है, देन टू एस्टैब्लिश दैट द अक्यूज्ड हैड असिस्टेड इन द कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 410 एंड 414 ऑफ आईपीसी। 414 तो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, तो फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो अगर लग रहा है देखते हुए चीजों को कि हाँ ये स्टोलन प्रॉपर्टी है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसका कंक्लूजन को एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको सफिशियंट माना जाएगा। ठीक है, 411 बात करता है डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में। कोई अगर डिसऑनेस्टली रिसीव करता है, उसका इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्टी के साथ वो रिसीव करना है प्रॉपर्टी को, तो भी जो है उसको पनिशमेंट होगा। Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, कोई भी stolen property जिसको ये knowledge हो या reason to believe हो, ये मानने का कि वो जो property वो रख रहा है, receive कर रहा है, वो stolen property है, तो उसको punishment होगा। ठीक है, और कितना punishment होगा? Imprisonment of either description for a term of 3 years or fine या both। ठीक है, 3 साल का होगा, साथ में fine भी हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है, 3 साल की imprisonment और fine भी। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 411 जो बात करता है कि डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। ये ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है। ठीक है, 411 का जो ऑफेंस है, जो भी मैंने इम्प्रिजनमेंट वगैरह बताया, तो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो है मैंने बता दिया कि द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज इन द पोजीशन ऑफ द अक्यूज्ड, वो अक्यूज्ड की पोजीशन में रहेगा, वही दैट द सेम पर्सन अदर देन द अक्यूज्ड हैड पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर द अक्यूज्ड गॉट पोजीशन ऑफ इट, या फिर जो अक्यूज्ड है उसके पोजीशन के आने के पहले किसी और के पास पोजीशन में गया तो, या और थर्ड पॉइंट ये बताता है दैट द अक्यूज्ड हैड नॉलेज दैट द प्रॉपर्टी वाज स्टोलन प्रॉपर्टी, और अक्यूज्ड को ये नॉलेज होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो ये तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए तो ही सेक्शन 411 डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी प्रूफ होगा। ओके, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक फील्ड है जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है सपोज, ठीक है, सब कोई उसको यूज करता है, उस फील्ड में बहुत सारे खुदाई करने के बाद किसी को ऑर्नामेंट्स मिले, बहुत सारे सीरियल्स वगैरह मिले, दाल चावल इस तरह का चीज, तो क्या जिस पर्सन को ये सारी चीजें मिली उसको स्टोलन प्रॉपर्टी उस के लिए अक्यूज किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को बहुत लोग यूज कर रहे हैं। अब सपोज उसको किसी से इंफॉर्मेशन मिला है कि इस प्रॉपर्टी के नीचे ये सारी चीजें हैं, इट डजंट मीन कि वो उसका पोजिशन रखे हुए था, ठीक है, उसको सडनली मिला तो उसको उसके लिए अक्यूज नहीं किया जाएगा। और इन ए केस इन विच द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द अक्यूज वॉज गुड एनफ, कोई भी केस में जब कोई एक्सप्लेनेशन अक्यूज देता है वो सफिशियंट है, गुड एनफ है, कि उसमें सीरियस डाउट्स रेज हो जाते हैं
सस्टेनेबिलिटी ऑफ द चार्ज के को लेकर कि 411 अप्लाई होगा भी कि नहीं, ऐसा अच्छा एक्सप्लेनेशन कोई अगर देता है तो उसको एक्विटल कर दिया जाएगा. ही वॉज एंटाइटल टू एक्विटल. और ये चीज़ जो है, ये जो अभी मैंने बताया कि अच्छा गुड इनफ एक्सप्लेनेशन देता है, तो वो करा किया गया था केस कमल सिंह उत्तम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट केस है. अगर सेक्शन 411 का नोट्स बना रहे हैं तो ये केस का मेंशन ज़रूर कीजिए. फिर आते हैं सेक्शन 412, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमीशन ऑफ अ डेकोइटी. कोई भी प्रॉपर्टी को रिसीव पोजिशन में ले रहे हैं जो कि डेकोइटी के थ्रू रिसीव हुआ है, डेकोइटी के थ्रू जो है वो उसका पोजिशन आया है. तो इसका जो है इम्पॉर्टेंट या बेसिक इंग्रेडिएंट सेक्शन 412 का वो है कि प्रॉपर्टी स्टोलन होनी चाहिए. बिल्कुल, सेड प्रॉपर्टी वॉज कंसर्न विद डेकोइटी, डेकोइटी के थ्रू ही जो है कंसर्न होना चाहिए, डेकोइटी के थ्रू वो प्रॉपर्टी जो है इधर से उधर हुई है. फिर अक्यूज डिसऑनेस्टली रिसीव्ड इट, ऑब्वियसली डिसऑनेस्टी तो होना ही पड़ेगा. और फोर्थ पॉइंट बताता है द अक्यूज न्यू और हैड रीजन टू बिलीव दैट द सेड प्रॉपर्टी वॉज स्टोलन इन डेकोइटी. ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो है वो स्टोलन किया गया था डेकोइटी के थ्रू, उसको पता होना चाहिए अक्यूज को. तो इसके लिए जो इम्प्रिजनमेंट है या जो पनिशमेंट है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा 10 साल के लिए, और फाइन भी होगा. फाइन कितना होगा डिपेंड करेगा, वो कुछ यहाँ पे अमाउंट दी हुई नहीं है. तो इसको 412 के लिए इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर 10 ईयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन. ठीक है, और ये ऑफेंस का नेचर जो है वो है कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल, और ये ट्रायबल बाय एनी कोर्ट ऑफ सेशन. ओके, कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन इसको ट्रायल कर सकता है. फिर आता है सेक्शन 413, हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी. जो हैबिचुअली डील करता है प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी को लेकर, उसकी भी कुछ पनिशमेंट है, वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 ईयर्स फाइन एंड 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन. या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों होगी, दोनों में से कोई एक. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सपोज एक शहर में डकैती हुई डिफरेंट जगह पे, ठीक है, चोरी हुई, और वो सपोज मेरे पास एक ही दिन में वो सारे अलग अलग जगह से प्रॉपर्टी आ गई, तो मैं हैबिचुअली डीलर नहीं कहलाऊंगी. अलग अलग ओकेजन्स में, डिफरेंट डेट्स में अगर मेरे पास वो सारी चोरी की सामान जो है वो आ रही है रेगुलरली हैबिचुअली, तो ही मैं हैबिचुअल ऑफेंडर कहलाऊंगी. ओके, तो हैबिचुअली वर्ड इम्फेसिस रखता है कि रेगुलरली बेसिस पे. ठीक है, ये ऑफेंस भी जो है वो कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्रायबल बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन. तो 412 और 13 जो है ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, और 411 जो है ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट. 414 बात करता है जो असिस्ट करता है कंसीलमेंट, छुपाने के लिए कंसीलमेंट करता है, यानी छुपाता है स्टोलन प्रॉपर्टी को. छुपाने के लिए कोई अगर इंसान असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो भी उसको जो है पनिशमेंट होती है, उसको पनिशमेंट होती है 3 ईयर्स के लिए, अब मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स और विथ फाइन और विथ बोथ. ठीक है, या तो फाइन या दोनों, फाइन भी और इम्प्रिजनमेंट भी 3 ईयर्स के लिए. तो 414 इस चीज के लिए बात करता है. तो इसी के साथ इसका नेचर भी सुन लीजिए, वो है जो ऑफेंस है उसका नेचर है कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल एंड ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट. तो बीच के जो दो सेक्शंस है यानी 412 एंड 13, उसमें ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, और बाकी 11 और 14 जो है वो ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है. ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, स्टोलन प्रॉपर्टी जो है, मैंने आप लोगों को आज समझा दिया. अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कैसा लगा. और ऑब्वियसली सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हैं, करते ही रहिएगा इसी तरह. मुझे पता है मुझे अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच.